हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ डेली वेयर चेन, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, बीच में थोड़ा गैप जैसा है। वेट है 9.612 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 54,000 में। ये देखिए, ज़्यादा वेट नहीं है लेकिन कितना चौड़ा दिख रहा है। दूसरी डिजाइन देख लीजिए, ये बहुत ही मोटा है और ये बॉक्स टाइप है, चारों तरफ से एक ही साइज है। वेट है 20.532 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 90,000 में। गाइस, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। ये देखिए, लेंथ है 18 सेंटीमीटर और थोड़ा सा राउंड जैसा शेप है। वेट है 13.556 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 88,000 में। ये बहुत पतली चेन है। वेट है 4.141 ग्राम। ये आपको पड़ेगा 26,000 में। गाइज, ये किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि गिफ्ट ही करना है, आपको पसंद आए तो आप खुद भी ले सकते हो। बहुत लोगों को पतला चेन पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। ये चेन देखिए, ये फ्लैट है, आगे पीछे एक ही शेप रहता है और साइड में तो पतला ही रहेगा। तो चलिए वेट देख लेते हैं। वेट है 9.452 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 56,000 में। गाइज, आपको तो पता होगा कि गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से मैं अप्रोक्स प्राइस बता रही हूँ। आप कभी भी लेने जाओ तो थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा। इसका लेंथ भी 18 सेंटीमीटर है। ये भी देखिए, वो फ्लैट चेन ही है, थोड़ा सा डिज़ाइन में अलग है और ये थोड़ा सा हल्का है। वेट है 6.387 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 45,000 में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट ज्वेलरी का वीडियो मैं लेके आऊँगी। ये देखिए, और एक है पतली सी चेन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, कुछ लेंथ का इशू रहता है तो शोरूम में चेंज करके देंगे, मतलब छोटा बड़ा करके देंगे, जो भी चाहिए आपको। वेट है 3.646 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 25,000 में। देखिए, बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे। इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और ये देखिए, ये भी बॉक्स टाइप चेन है लेकिन इसको थोड़ा सा राउंड राउंड बीच में से मोड़ा गया है। वेट है 11.894 ग्राम। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 68,000 में। गाइस, चेन का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।